अगर आपका भी सपना है फौजी बनने का तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आर्मी स्टडी एप्लीकेशन और जुड़िए सिलेक्शन बेच के साथ ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट ब्रह्मास्त्र प्रश्न और एग्जाम के नजदीक मैराथन क्लासों का गजब का बेजोड़ संग्रह मिलने वाला है और अपने सपनों को कीजिए आपकी बार पूरा जय हिंद जय भारत हिंद वंदे मातरम दोस्तों कैसे हो सर और सहरियों सर अच्छे हैं जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना रख बापू भरोसा तेरा बेटा हंड्रेड परसेंट फौजी बनकर आएगा तकदीर के खेल से निराश नहीं होते तकदीर के खेल से निराश नहीं होते जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो तकदीर उनकी भी होती है तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते जिनके हाथ नहीं होते तो लड़ले इस कदर मेहनत कीजिए इस कदर मेहनत कीजिए कि हाथों की लकीरों को ही बदलना क्यों ना पड़ जाए और अब की बार हमें फौजी बनना है अब की बार हमें क्या बनना है सर फौजी बनना है तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आपको पता है आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपकी एग्जाम 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है जिनको तगड़े तरीके से मैथ्स में प्रॉब्लम है कि सर मुझे बहुत प्रॉब्लम है हमसे जुड़िए एप्लीकेशन के माध्यम से और धुआं धुआं कर दीजिए मैथ्स की क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं पंद्रह में से कितने का पंद्रह में से बिल्कुल वीक है ना उसका भी वादा करते हैं ग्यारह से बारह नंबर का और जो भाई मीडियम है उसका पंद्रह में से पंद्रह इंटेलिजेंट है पंद्रह में से पंद्रह तो लाडले जुड़ जाइए सर कमजोर को पंद्रह में से पंद्रह नहीं करवा सकते करवा सकते हैं लेकिन उसको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करेगी पंद्रह में से पंद्रह वो भी कर सकता है कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो चलो बता देते हैं ये हमारा टॉपिक है आज का इससे पहले हम आपको बता दें ये आपका क्लास का टाइम टेबल है यह आपका क्लास का टाइम टेबल है ज़रा इस क्लास के टाइम टेबल का ध्यान रखिए बोलोगे सर बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे आपकी किस किस वक्त क्लास चलने वाली है क्लियर है जी आप बोलोगे कि सर साढ़े दस से सॉरी दस से ग्यारह आपकी साइंस है मैथ आपकी क्लास होगी ग्यारह से साढ़े बारह क्लास होने वाली है लेकिन आज एक घंटे ही हो होगी और ये ऑफर आपका संडे तक ये आपका ऑफर रहेगा संडे के बाद में संडे के बाद में आपका फीस आठ सौ हो जाएगी उसके बाद में हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आपके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी वो पांच सौ रुपए आपकी संडे तक रहेगी मैथ्स का पैटर्न ये रहेगा देख लीजिए मैथ्स का पैटर्न है जी डी टी और डब्ल्यूएमपी में मैथ्स आएगी पंद्रह क्वेश्चन नर्सिंग में आपके पांच क्वेश्चन हैं और कलरक में आपके दस क्वेश्चन हैं और आर्मी टेक्निकल में आपके पंद्रह क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा टाइम आपका जाया नहीं करेंगे इसके बाद में आपका सिलेबस ये है देख लीजिए शुरुआत हम नंबर सिस्टम से ही कर रहे हैं संख्यापत्ति संख्यापत्ति में ये पांच छह टॉपिक है सरलीकरण वर्गमूल घनमूल दशमलव भिन्न और गाथांकर्णी फिर प्रतिशत फिर लाभ हानि फिर औसत साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज क्लियर है जी अच्छा चीज और इसके बाद में समय काम मजदूरी मिसर समानुपात समय चाल दूरी रेलगाड़ी नावधारा आयु अनुपात समानुपात मिश्रण क्षेत्रमिति आयतन त्रिकोण मिति बीज गणित और प्रायिकता ये ये सलेबस ये सलेबस सभी का है जी है चाहे टी डी है न है चाहे चाहे डब्लू एम पी है चाहिए बोलोगे यस सर चाहे कलरक है बोलोगे यस सर चाहे आपका क्या है सर नर्सिंग है सर कोई दिक्कत नहीं है नर्सिंग में भी है आप बोलोगे कि सर इसके बाद में इसके बाद में चाहे टेक्निकल है ये तो सभी में अवेलेबल होगा ही होगा इसके बाद में टेक्निकल के कुछ स्पेशल हैं टेक्निकल में कुछ स्पेशल टॉपिक है वो जरूर देख लीजिए टेक्निकल में कुछ ये स्पेशल टॉपिक है इनका चांस तो कम रहता है लेकिन एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा ठीक है नॉर्मल पढ़ लेना अवकलन समाकलन समुच्चय प्रायिकता, क्रमचय संचय लघुगणक और इत्यादि ये इनका ये टेक्निकल के लिए स्पेशल टेक्निकल के लिए क्लियर है जी चांस इनका कम रहता है लेकिन नॉर्मल पढ़ना है नॉर्मल क्या करना है सर नॉर्मल पढ़ना है ऐसे नहीं है कि सर इनके पीछे पड़ गए पीछे नहीं पढ़ना है यदि सर टेक्निकल में पंद्रह क्वेश्चन है तो दस क्वेश्चन तो पीछे वाले टॉपिकों से दस से बारह क्वेश्चन पीछे वाले टॉपिकों से आएंगे यदि यहां से आ रहे हैं है। पहली बात तो मैंने बता दिया बिल्कुल चांस खत्म है इनका नहीं आने का चांस है लेकिन फिर भी आ जाए तो दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बाकी नहीं आएंगे <coughs> क्लियर है जी आप बोलोगे सर आगे बढ़िए संख्या पद्धति है आपका टॉपिक और साठ दिन की जंग शुरू है ठीक है बोलोगे हाँ जी सर आपके रियल साठ दिन बचे हैं इनमें आपकी लंबी क्लास लेनी पड़े लेकिन आपका टाइम पे सिलेबस है करवा देंगे क्लियर है बोलोगे यस सर आगे बढ़े जी पहली लाइन मोटिवेशन मोटिवेशन लाइन से शुरुआत करते हैं नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेज की लगे नशा मेहनत का करो ताकि बीमारी भी लगे ना तो कौन सी लगे सर सक्सेस वाली बीमारी लगे क्लियर है आगे बढ़े जी गुरु जी शुरुआत कर दीजिए नंबर सिस्टम की और भगवान भोलेनाथ का नाम लेके और वीर हनुमान का नाम लेके भगवान श्रीनाथ का नाम लेके स्टार्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है नंबर सिस्टम में आराम आराम से चलेंगे जल्दीबाजी नहीं करेंगे सबसे पहले परिमय संख्या सबसे लाडले क्या है परिमय संख्या परिमय संख्या किसे कहते हैं आराम से पढ़िए फिर मैं पढ़ता हूं परिमेय संख्या जिनको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सके जिनको परिभाषा यह है कि वे संख्या जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके परिमेय संख्या कहलाती है लेकिन q का मान q का मान जीरो नहीं होना चाहिए q का मान क्या नहीं होना चाहिए q का मान जीरो नहीं होना चाहिए ध्यान रखना है क्लियर है जी p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके बोलोगे सर वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या यदि ये याद नहीं हो ना तो ऐसे याद कर सकते हो कैसे दिखने में सरल हो दिखने में क्या हो सर दिखने में इजी हो दिखने में सरल हो वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है परिमेय संख्या सरल हो दिखने में सरल हो तो वो क्या कहलाती है सर परिमेय संख्या ऐसे भी लिख सकते हो यदि इतनी बड़ी परिभाषा याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है दिखने में इजी हो वो क्या कहलाती है सर आपकी परिमेय संख्या कहलाती है परिभाषा आपकी है कि वे संख्या जिनको p बटा q के रूप में ने व्यक्त कर सके वह परिमेय संख्या q का मान q नॉट इक्वल्स टू जीरो q का मान जीरो नहीं होना चाहिए तो सर परिमेय संख्या एग्जाम्पल दे रहा हूं समझ लेना जैसे जीरो जीरो परिमेय संख्या होती है एक दो तीन ये संख्या होती है ना देखो इजी इजीजी संख्या है सारी की सारी ये सारी की सारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है सर माइनस की माइनस की भी परिमेय संख्या ही होती है माइनस माइनस की की संख्या संख्या आपको इजी दी है ना तो ये भी आपकी क्या होती है सर ये भी आपकी परिमेय संख्या ही होती है सारी की सारी परिमेय संख्या होती है कोई दिक्कत इसमें नहीं है आप बोलोगे कि सर जैसे बट्टे की संख्या दो बट्टा तीन चार बट्टा पांच एक बट्टा दो ये जो इस प्रकार की संख्या होती है ना वो भी क्या होती है सर परिमय सर बट्टे की माइनस की संख्या माइनस की संख्या भी परिमय संख्या होती है कैसे आप बोलोगे सर एक बटा दो माइनस तीन बटा चार और माइनस पाँच बटा आठ ये क्या होती है सर ये आपकी परिमेय संख्या होती है ये क्या होती है सर ये आपकी क्या होती है परिमेय संख्या होती है ये ध्यान रखना और इसके साथ स्पेशल ध्यान रखना है स्पेशल जो ये बाईस बटा सात होती है ना बाईस बटा सात स्पेशल बाईस बटा सात होती है ना ये स्पेशल है ध्यान रखना है ये क्या होती है परिमेय संख्या अब जिनका रूट निकाल सकें जिनका रूट निकाल सके ना वो भी परिमेय संख्या होती है कैसे देखो आपसे पूछ ले कि बताओ रूट पच्चीस रूट पच्चीस परिमय है या नहीं है तो आप बताओ रूट पच्चीस का मान कितना होता है पांच <क correlation> रूट पच्चीस का मान कितना होता है सर पांच होता है पांच तो ये परिमेय संख्या कोई दिक्कत नहीं है आप बोलोगे कि सर ये बोल दे आप बोल दे रूट एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस का रूट कितना होता है सर रूट है एक सौ इक्कीस का कितना होता है सर बोलोगे सर इसका होता है ग्यारह इसका कितना होता है सर ग्यारह तो ग्यारह क्या होती है सर एक परिमेय संख्या होती है ग्यारह भी एक परिमेय संख्या सर घनमूल में दे दे, दे। जैसे घनमूल सत्ताईस दे दिया घनमूल कितना दे दिया सर घनमूल आपको सत्ताईस दे दिया तो बोलोगे सर कितना हो गया इसका घनमूल इसका घनमूल तीन होता है इसका घनमूल कितना होता है तीन तो ये परिमेय संख्या है तो जिनका घनमूल और रूट निकाल सको जिनका घनमूल और रूट निकाल सको ना वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या वापस रिपीट कर देता हूं इस प्रकार का सिंपल नंबर आ जाए जीरो एक दो तीन चार पाँच है ये क्या होती है सर परिमेय संख्या माइनस में दे दे तो ये भी परिमेय संख्या होती है बट्टे की संख्या दे दे ये भी परिमेय होती है और आप बोलोगे कि सर ये माइनस में दे दे बट्टे की संख्या तो ये भी परिमेय होती है सर मिश्र भिन्न दे दे कैसे सर ऐसे दे दे एक से एक बट्टा दो ठीक है चार से तीन बटा पाँच बोलोगे यस सर ये भी क्या होती है परिमय संख्या होती है और सर जैसे तीन पॉइंट पाँच दे दिया पॉइंट वाली संख्या दे दिया तीन पॉइंट पाँच एक पॉइंट दो तो ये भी क्या होती है सर ये भी सारी की सारी क्या होती है परिमय संख्या तो ये परिमय संख्या होती है आपको परफेक्ट तरीके से याद करना आगे बढ़े जी गुरु जी आगे बढ़ते हैं क्या बोलेंगे सर कोई दिक्कत नोट्स नहीं बनाने जिनका जिनके नोट्स बनाए उनको नहीं बनाने जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नोट्स बनाने हैं वो क्लास देख के बाद में बनाना है क्लियर है जी अच्छा जी सर आगे चलिए अ संख्या कौन सी होती है ठीक है जिनको अप्रीम संख्या की परिभाषा देखिए अप्रीम संख्या कौन सी होती है सर वे संख्या वे संख्या जिनको बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते जिनको बट्टे में व्यक्त नहीं कर सकते वह में होती है कैसे सर सर इजी परिभाषा बताओ दिखने में हार्ड हो दिखने में क्या हो सर दिखने में जटिल हो हार्ड हो ठीक है ना दिखने में जटिल हो तो वो क्या होती है अपरिमेय संख्या होती आप, है अपरिमेय संख्या अपने को ऐसे दिख रही है कि सर ये तो बहुत हार्ड संख्या है ये तो बहुत गंदी संख्या है ये क्या होती है सर वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या कोई दिक्कत इसमें नहीं है बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल बात सही है बोलोगे यस सर एग्जाम्पल दो सर आ जाओ एग्जाम्पल देते हैं बिल्कुल सर एग्जाम्पल दीजिए जैसे आप बताओ रूट फाइव का मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते सर रूट फाइव का मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते सर तो ये क्या होती है सर अपरिमेय होती है क्या होती है सर अपरिमेय रूट सात निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते सर अपरिमेय होती है सर घनमूल ग्यारह बोलोगे सर इनका मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, सर, निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो जिनका रूट नहीं निकाल सकते जिनका रूट नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाती है सर अपरिमेय जिनका रूट नहीं निकाल दिखने में जटिल हो और जिनका 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 रूट जिनका रूट या रूट या घनमूल नहीं निकाल सकते जिनका रूट या घनमूल नहीं निकाल सकते नहीं निकाल सकते ना वो क्या होती है सर वो क्या होती है वो ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या होती है अपरिमेय ये याद रखना है लाडले ये याद रखना है क्लियर है जी बहुत सारी संख्याएं होती है जैसे आप बोल दो सर रूट 30 हो रूट तीन हो गया आपने पढ़ा होगा ना दसवीं क्लास में चलता है रूट पांच एपरिमय संख्या होता है सिद्ध कीजिए दो तो नंबर का प्रश्न आता था दसवीं में रूट थ्री एपरिमय संख्या होती है सिद्ध कीजिए ठीक है तो वो तो हमें सिद्ध तो नहीं करना है हमें देख के बताना है कि परिमेय है या फिर अपरिमेय ये देख के बताना कल सर इसके बाद में एक बटा जीरो देखो नीचे जीरो आ जाए देखो ऊपर जीरो आए ना सिर्फ जीरो आए सिर्फ जीरो आए सिर्फ जीरो आए ना तो वो परिमेय है सिर्फ जीरो आए ना तो वो क्या है सर परिमेय है और एक बटा जीरो आ जाए ना तो लाडली ये ध्यान परि परिमेय है ये क्या होती है सर एपरी एप परिमेय होती है ये ध्यान रखना है क्लियर है जी सर पाई पाई भी क्या होता है सर पाई भी एपरी एप परिमेय होती है पाई होती है ना पाई ये पाई भी क्या है सर पाई भी एपरी है ये ध्यान रखना है पाई भी क्या है सर पाई भी परिमय है ये विशेषकर आपको बात ध्यान रखनी है बोलो कोई दिक्कत परिमय और अ में कोई दिक्कत नहीं है सर आज मैं फॉर्म डालने जा रहा हूं जो भाई फॉर्म डालने जा रहे हो उनको सबसे पहले बेस्ट उपलब्ध दिन रात एक कर दीजिए और धुआं धुआं मचा दीजिए बोलो यहां तक किसी को दिक्कत बताओ बोलो बोलो है भाई जल्दी से बता दीजिए बोलोगे यस सर ठीक है सर नर्सिंग की बुक ऑर्डर की है तो बुक ऑर्डर की है तो सर उसमें मैथ्स है क्या तो लाडले मैथ्स तो उसमें मिल जाएगी ना आपको मैथ्स तो अलग बुक लेनी पड़ेगी आपको मैथ्स की बुक्स है ना वो अलग लेनी पड़ेगी ना बोलोगे यस सर बताइए क्लियर है जी आप चलो जवाब करो आ जाओ जवाब करो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आया पेपर में प्रश्न कैसे पूछेगा ये हम आपको बता देते हैं बताइए क्या आंसर होने वाला है बोलोगे यस सर कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है जल्दी से जवाब करो पाई एक है परिमय अपरिमय दोनों या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए बताइए लाडले अरे सर शादी कर लो नहीं करेंगे भाई साहब शादी जिस दिन फौजी बना देंगे ना सबको उस दिन बनाएंगे बोलोगे जी सर उस दिन शादी में आपको बुलाएंगे तुम वर्दी पहन के आना लाडले तुम वर्दी पहन के आना वर्दी बोलोगे यस सर तो आपके भाई की शादी है ना फिर माउल अलग ही बन जाएगा वास्तव में बोलोगे यस सर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है तो पाई क्या होती है सर पाई क्या होती है सर पाई संख्या होती है पाई क्या होती है पाई संख्या होती है आर्मी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया ये वाला बताओ ये वाला बताओ कोई दिक्कत नहीं है भाई सुबह सात बताओ बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है बताओ आराम से बताओ कोई जल्दी बाजी नहीं है वेट करेंगे बताओ बाईस बटा सात क्या है आराम से बताइए कि बाईस बटा सात क्या है अरे सर बाईस बटा सात है ना बोलोगे यस सर बाईस बटा सात क्या है बाईस बटा सात है ना लाडले परी में संख्या होती है परी में तो सर नोट पॉइंट लगा के लिखवा दो हम भूल जाएंगे ठीक है जी नोट पॉइंट है आपका क्या बोलोगे यस सर नोट पॉइंट है सर पाई क्या है तो आप बता देना पाई क्या होती है सर पाई तो आपका एप्रीम संख्या होती है पाई तो क्या होता है संख्या होती है याद रखना है ये क्लियर है जी और 22 बटा क्या होती है सर 22 बटा सात परिमेय होती है गड़बड़ मत कर देना ये इंपोर्टेंट है कई बार मजाक में ये प्रश्न पूछ लेता है और तुम फंस जाते हो तो याद रखना है कि 22 बटा सात क्या होता है सर 22 बटा सात है ना परिमेय होती है तो याद रखना पाई क्या होती है अपरिमय और बाईस बड़ा सात क्या होती है सर परिमय संख्या होती है परिमय ये बात आपको ध्यान रखनी है क्लियर है आगे बढ़े जी गुरु जी बताइए ये वाला बताइए निमन में से परिमय संख्या है निमन में से परिमय संख्या बताइए आराम से बताइए कोई जल्दीबाजी यहां पे नहीं है कि निमन में से निमन में से बताना है कि परिमय संख्या कौन सी है बोलोगे यस सर बताओ परिमय संख्या कौन है इसमें से बताइए जल्दीबाजी नहीं करना है आराम से बताइए देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम बोलोगे यस सर बोलोगे यस सर सर नोट्स देने वाले हो ना लाडले नोट्स तो बनाने पड़ेंगे हैं नोट्स तो बनाने पड़ेंगे लाडले बिना नोट्स काम चलेगा नहीं ना नोट्स खुद से बनाओ मैथ्स के नोट्स खुद से बनाओ खुद से एक एक चीज लिखोगे ना तो उससे चीजें याद होती है आपको थोड़ी देर बाद में जैसे क्लास फिनिश हो जाए क्लास फिनिश होने के बाद क्लास को अच्छे से वापस देखना वापस देख के नोट्स बनाना बड़ा मजा आएगा सर पाई क्या है सर पाई ये देखो परिमेय संख्या पहचाननी है तो रूट तीन का मान निकाल सकते हो नहीं ये जटिल नंबर है सर मान नहीं निकाल सकते तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है ए अपरिमेय संख्या सर रूट सत्ताइस का रूट सत्ताइस का रूट नहीं निकाल सकते तो ये भी अपरिमेय तो आप बोलोगे सर पच्चीस का घनमूल थोड़ी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते सर ये भी अपरिमेय है लेकिन सर लेकिन रूट उनचास का मान कितना होता है रूट उनचास का मान सात होता है तो सात क्या हो गया सर परिमेय साथ क्या हो गया परि हो गया बोलोगे यस सर तो कौन सा ऑप्शन सही है डी देखो तीन का नहीं निकाल सकते रूट ये रूट सत्ताईस घनमूल तो देखो सत्ताईस का घनमूल तो तीन होता है सत्ताईस का घनमूल तो कितना होता है सत्ताईस का घनमूल तो तीन होता है लेकिन सत्ताइस का रूट नहीं निकाल पाएंगे सत्ताईस का रूट नहीं निकाल पाएंगे इसलिए एपरी में हो गया अब पच्चीस पच्चीस का रूट तो पच्चीस का रूट कितना होता है पच्चीस का रूट तो पांच होता है लेकिन पच्चीस का क्या नहीं निकाल सकते 25 का हम घनमूल नहीं निकाल सकते इसलिए ये क्या है अपरिमय तो आपकी परिमय संख्या कौन सी हो जाएगी सर आप बोलोगे कि सर परिमय संख्या आपका डी ऑप्शन हो जाएगा डी ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछेगा और उनकी धज्जिया उड़ानी है धज्जिया क्लियर है बोलोगे क्या सर बताइए निम्न में से अपरिमय संख्या है बताइए वेट करेंगे आपको ये बताना है कि निम्न में से अपरिमय संख्या कौन सी है वेट 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 वेट, वेट। जल्दी से बताइए सर साधारण ब्याज की क्लास साधारण ब्याज की क्लास मतलब अभी तो क्या चल रहा है अभी तो नंबर सिस्टम चल रहा है ना बोलोगे सर मेरा आधार कार्ड नहीं है तो लाडले जो कमी है उसको सुधरवा लीजिए ना वक्त है आपके पास दो तीन दिन में सुधर जाएगा आधार कार्ड में मिस्टेक है तो सुधर जाएगा बताइए निमन में ए प्रीमे संख्या वेट करेंगे किस किस का सही आता किस किस का गलत आता पकड़ के फोड़ेंगे तुम्हें फिर बताइए बोलोगे बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं धार चल रहे हैं बोलोगे यस सर परी में बतानी है सर स्पीड बढ़ाओ लाडले स्पीड नहीं धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि कुछ भाई क्या होते हैं लाडले थोड़े से एक वीक भी होता है उनका भी ध्यान देना है ठीक है जी अच्छा जी आप बोलोगे यस सर स्पीड नहीं बढ़ा सकते समाचार आते हैं लाडले ठीक है जी आप बोलोगे सर परी में बताना है तो रूट पच्चीस का मान पाँच होता है तो पाँच होता है ना तो ये तो परि में संख्या है परि में सर उनचास का कितना होता है सात होता है सात तो ये भी सर परिमय संख्या है सर घनमूल निकालना 125 125 का घनमूल पांच होता है तो ये भी आपकी परिमय संख्या है 38 का नहीं निकाल सकते सर 38 का नहीं निकाल सकते इसलिए ये अ होती है कौन सा ऑप्शन सही है सर डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है सही है अब बोलोगे कि सर जरा हमें आगे बताइएगा बोलोगे यस सर देखिए क्या लिखा हुआ देख लो स्पेशल बातें याद करनी है स्पेशल बातें याद करनी है क्लियर है जी अच्छा जी नंबर सिस्टम में है थोटिकल पार्ट तो याद ही करना पड़ेगा क्लियर है जी स्पेशल बातें और लिख रखा है मोटे अक्षरों में लिख रखा है कुछ भाइयों को दिखता नहीं है ना इसलिए लिख रखा है स्पेशल बात और स्पेशल बात को क्या करना है याद करना है याद स्पेशल बात को क्या करना है याद करना है याद पहले ही बता दिया देखो कैसे परिमेय को परिमेय में जोड़ो या घटाओ देखो ये याद करना है याद कर लेते हैं परिमेय को परिमेय में जोड़ो या गठाओ देखो परिमेय में परिमेय को जोड़ो या गठाओ तो हमेशा परिमेय प्राप्त होता है परिमेय को परिमेय में आप जोड़ रहे हो या फिर गठा रहे हो परिमेय को परिमेय में जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो हमेशा क्या प्राप्त होता है हमेशा परिमेय क्योंकि आर्मी में इससे एक पर्सन आया था कैसे पर्सन आया था ये वाला पर्सन आर्मी में आया था ये वाला क्लियर है जी इसलिए ये बात आपको याद रखनी है क्लियर है जी बोलोगे यस सर और अपरिमय में अ में, में ध्यान रखना ए को जोड़ो या घटाओ तो जोड़ो या घटाओगे ना तो फिर आपको क्या प्राप्त हो सकता है परिमेय या फिर अपरिमेय में भी प्राप्त हो सकता है याद करो देखो परिमेय को परिमेय में जोड़ो या घटाओ <ahorita remembering> याद करो दो तो मिनट लगेगी याद करने में परिमेय को परिमेय में जोड़ो या घटाओ में को परिमेय में जोड़ो या घटाओ हमेशा क्या होता प्राप्त होता है हमेशा परिमेय प्राप्त होता है कोई दिक्कत नहीं है अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ो या घटाओ हमेशा क्या प्राप्त होता है परिमेय या फिर अपरिमेय दोनों में से कोई से भी प्राप्त हो सकता है अब परिमेय में अपरिमेय को जोड़ोगे या गठाओगे ठीक है जी परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे या गठाओगे तो उससे क्या होता है अपरिमेय तो आप बोलोगे कि सर ये दो कंडीशन है ना ये दो कंडीशन है ना इसमें तो आपको क्या प्राप्त होगा सीधा सीधा एक ही आपको याद कैसे करना वापस समझिए परिमेय को अपरिमेय में जोड़ो या घटाओ तो क्या आएगा परिमेय और परिमेय को अपरिमेय में घटाओ परिमेय को अपरिमेय में जोड़ो या घटाओ तो क्या प्राप्त होता है अपरिमेय प्राप्त होता है लेकिन दोनों ही अपरिमेय हो दोनों ही अपरिमेय हो दोनों ही क्या हो सर अपरिमय या तो जोड़ोगे या घटाओगे तो उससे क्या प्राप्त होगा या तो परिमय या फिर अपरिमय सर इन तीनों में इंपोर्टेंट कौन सा है इन तीनों में ये वाला इंपोर्टेंट है, है तीनों में ये वाला इंपोर्टेंट है, है ये तो आपको नींदों में भी याद होना चाहिए ये वाला इंपोर्टेंट है ये तो आपको नींदों में भी याद होना चाहिए विशेषकर ध्यान रखना है क्लियर है बोलोगे यस सर बिल्कुल बात हम ध्यान में रखेंगे ये तो जोड़ बाकी पे था अब गुणा पे आ जाओ किस पे आ जाओ गुणा पे आ जाओ क्लियर है जी इसमें भी बता देंगे इंपोर्टेंट कौन सा है क्लियर है जी परिमेय और परिमेय को गुणा करो देखो परिमेय को परिमेय में गुणा करो तो बोलोगे कि सर परिमेय को परिमेय से गुणा करवा दो परिमेय को परिमेय से क्या करवा दो गुणा करवा दो परिमेय को परिमेय परिमेय को परिमेय से गुणा करवा दो गुणा करवाते क्या आ जाएगा सर ही आएगा गुणा में ध्यान रखना परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाएंगे तो परिमेय आएगा लेकिन बाकी दोनों में बाकी दोनों में ध्यान रखना है एपरिमे को एपरीमे से गुणा करवाओ तो वो परिमेय भी हो सकता है और ए भी हो सकता है और सर क्या परिमेय को एपरिमे से गुणा करवाओ तो वो परिमेय भी हो सकता है और ए भी हो सकता है ये विशेषकर ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये वाले इंपोर्टेंट है ऊपर वाले इतने इंपोर्टेंट नहीं है तो बोलोगे कि सर ये ध्यान रखना है कि परिमय को परिमे से गुणा करोगे ना तो परि आएगा लेकिन एपरिमय को एपरिमे से गुणा करोगे तो परि भी हो सकता है और एपरी भी हो सकता है और परिमय को एपरिमे से गुणा करोगे तो परि भी हो सकता है और एपरिमे भी हो सकता है तो ये तीन इंपोर्टेंट है कौन से एक तो ये वाला इंपोर्टेंट है और एक ये वाला इंपोर्टेंट अब कैसे याद करोगे ये आपका इंपोर्टेंट है क्लियर है जी इंपोर्टेंट लगा दिया जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है याद करना है सर नोट्स कैसे बनाए नोट्स लाडले जैसे हम लिखवा रहे ना जैसे पढ़ा रहे ना वैसे डिट्टो का डिट्टो नोट्स बनाना है कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है क्लियर है जी ये पेपर में पूछा हुआ पढ़ के बताइए कौन सा आंसर होने वाला है किस किस को गुणा करवाना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करवाना जरा बताइए आराम से बता देंगे सर परिमेय को परिमय को किससे गुणा करवाना है लाडले परिमे को ए परिमेय से गुणा करवाना है बताइए कौन सा आंसर होने वाला है सर ये स्लाइड बदलो देख के बताएंगे चलो सलाइड बदल देते क्यों सर अभी याद नहीं हुआ तो याद नहीं हुआ तो स्लाइड बदल देते देख के बता दीजिए देख के बता दीजिए कौन सा आपसे पूछा गया है जल्दी से बता दीजिए बोलो बोलो लाडले बताइए हम्म लाडले बताइए बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए बताइए कौन सा आंसर होने वाला है आर्मी में पूछा हुआ पर्सन है देख लिया जी देख लिया तो अब बता दीजिए कौन सा आंसर आएगा सर ये कौन से पेपर में आया था एक बात बताऊं कौन से पेपर में आया था यह आया था लॉकडाउन में आपका एक पेपर लगा था वो पेपर रद्द हो गया था लॉकडाउन में लॉकडाउन में एक पेपर लगा था वो पेपर क्या हो गया था रद्द हो गया था क्यों आउट हो गया था इस वजह से वो रद्द हो गया था उसके बाद में दोबारा पेपर लगा था उसमें ये पर्सन आया था उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो गई थी है जी उस एग्जाम में ये पर्सन आया था तो ध्यान रखना है परिमय को ए परिमय से गुणा करवाओगे तो वो परिमय भी हो सकता है और क्या हो सकता है एपरिमय क्लियर है जी अच्छा जी परी में भी हो सकता है और एपरी में भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं तो ये विशेषकर ध्यान रखना है जल्दीबाजी आपको नहीं करना है सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए तो ये था परी में और एपरी में अब चलेंगे किस पे सर पूर्णांक <coughs> पूर्णांक संख्या कौन सी होती है ध्यान से समझना अच्छे से समझना क्लियर है जी अच्छा अच्छी देखो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है पहले हम पूरी डिटेल से समझाएंगे अच्छा देखो माइनस प्लस की संख्या है ना माइनस जितनी माइनस की संख्या है जितनी प्लस की संख्या वो सारे के सारे पूर्णांक होती है कैसे देखिए आप बोलोगे सर जीरो जीरो एक दो तीन चार पाँच छ ये सारी की सारी क्या होती है सर ये सारी की सारी होती है ना ये सारी की सारी होती है ना ये सारी की सारी, सारी, सारी चलती रहती है अनंत तक अनंत तक चलती रहेंगे ठीक है जी इधर माइनस वाली सर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार ये अनंत तक चलती रहेंगी तो बोलोगे कि सर ये पूर्णांक संख्या होती है पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी नहीं आती देखो पूर्णांक में पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती ध्यान रख लेना पूर्णांक में पॉइंट वाली, वाली संख्या नहीं आती है ये ध्यान रखना पॉइंट वाली संख्या नहीं आती हैं सर बट्टे वाली संख्या बट्टे वाली संख्या बट्टे वाली संख्या भी इसमें नहीं आती है बोलोगे यस सर बट्टे वाली संख्या भी इसके अंदर नहीं आती है जैसे भाग देने पर जैसे मान लो भाग देने पर यदि ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं आए तो नहीं होती तो ध्यान रखना बट्टे वाली संख्या भी नहीं होती पॉइंट वाली संख्या भी नहीं होती सर रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या भी पूर्णांक नहीं होती रूट वाली संख्या भी पूर्णांक नहीं होती हाँ जिसे जैसे मान लो पॉइंट वाले जैसे आपको दे दे तीन पॉइंट पाँच तो ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती ठीक है बट्टे वाली दे दे सर कैसे तीन बटा चार ये बट्टे वाली दे दी तो ये नहीं हो सकती सर बट्टे वाली ये दे, दे दे तो दस बटा पाँच दस बटा पाँच दे दे तो इसमें भाग दे के चेक करो भाग दे के चेक करोगे तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगा और दो हमारे पास है तो ये वाली हो सकती है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है तो सर रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या जैसे रूट तीन तो ये नहीं हो सकती कोई दिक्कत नहीं है सर लेकिन रूट पच्चीस दे, दे दे तो रूट पच्चीस का मान कितना होता है पाँच होता है तो फिर ये हो सकती है क्लियर है जी तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि सर बट्टे वाली संख्या है पॉइंट वाली संख्या है बट्टे वाली संख्या है तो पॉइंट वाली संख्या वो कभी भी नहीं हो सकती बट्टे वाली संख्या भी कभी भी नहीं हो सकती रूट वाली संख्या भी नहीं हो सकती हाँ जिसमें भाग जा रहा है ना वो हो सकती है जिसमें भाग जा रहा है ना वो हो सकती है तो ये विशेषकर ध्यान रखना सर जीरो आप ध्यान रखना जीरो क्या होता है जीरो है ना जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने भाई साहब जीरो की खोज किसने की थी जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट साहब ने की थी क्लियर है जी जीरो की खोज किसने की थी लाडले जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने की थी बोलोगे यस सर और ये जीरो है ना ये जीरो क्या होता है सर जीरो आ, ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है जीरो है ना ना तो क्या होता है ऋणात्मक ना तो क्या होता है सर ना तो ऋणात्मक होता है क्लियर है जी ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है ना ऋणात्मक और ना ही क्या होता है सर ना ही धनात्मक होता है ये विशेषकर ध्यान रखना जीरो तो क्या होता है जीरो तो उदासीन होता है जीरो क्या होता है सर जीरो है ना जीरो ये जीरो क्या होता है लाडले उदासीन होता है उदासीन ये आपको ध्यान रखना है क्लियर है जी आप बोलोगे कि सर ये कौन सा कर्म होता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये बढ़ता कर्म होता है आप बोलोगे सर ये होता है बढ़ता कर्म और ये बढ़ता कर्म होता है ना ये क्या होता है सर ये बढ़ता कर्म और बढ़ता क्रम को अपन क्या बोलते हैं आरोही कर्म कौन सा बोलते हैं सर ये तो होता है आरोही कर्म क्लियर है जी बोलोगे यस सर ये आपका आरोही कर्म है और आपका इधर ऐसे चलोगे ना ऐसे ऐसे चल रहे हो ना तो ये कौन सा होता है घटता कर्म ये कौन सा होता है घटता क्रम और घटता क्रम किसको बोलते हैं अवरोही का मतलब घटना अवरोही अव का मतलब होता है घटना क्लियर है जी बोलोगे यस सर ये आपका अवरोही क्रम है और का मतलब क्या होता है घटना अवका मतलब क्या होता है सर अवका मतलब होता है घटना क्लियर है बोलोगे यस, यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है अवका मतलब होता है घटना आपसे पूछे क्या अब सुनिए <abus Perché> और ये वाली संख्या होती है धनात्मक ये वाली संख्या कौन सी, होती, ए, होती, है, सी होती है सर ये वाली संख्या होती है धनात्मक और ये वाली कौन सी संख्या होती है सर ये वाली आपकी संख्या होती है ऋणात्मक ये वाली संख्या क्या होती है सर ये वाली संख्या होती है ऋणात्मक कोई दिक्कत नहीं है अब आप बोलोगे कि सर यहां से क्या बात निकलती है ध्यान से सुनिए नॉट पॉइंट क्लियर है सी नॉट पॉइंट है आपका क्या इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे ना करो आप <coughs> आप बताओ बताओ क्या कि सर की सर बोलोगे नॉट पॉइंट धनात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या बतानी है सॉरी तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या कौन सी है तो बोलोगे कि सर सबसे छोटी संख्या है ना वो आपकी एक है क्लियर है जी। और ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक में पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या बतानी है माइनस एक होती है तो ध्यान रखना माइनस एक सबसे बड़ी संख्या होती है ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तो बोलोगे कि सर सबसे बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है माइनस एक तो आपसे पूछेगा दो ही बाकी नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा धनात्मक में सबसे छोटी धनात्मक में सबसे छोटी होती है एक और ऋणात्मक में सबसे बड़ी ऋणात्मक में सबसे बड़ी होती है माइनस एक ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है जल्दीबाजी नहीं करनी है जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है क्लियर है बोलोगे यस सर अब एक बड़ा कंफ्यूज रहेगा सर माइनस की संख्याओं में बड़ी व छोटी छाटना है ना बड़ा कंफ्यूजेबल रहेगा देखो माइनस की संख्या बोलोगे जी सर लिखा दू माइनस की संख्याओं पे लिखा रहा हूं क्लियर है जी किस पे लिखा रहा हूं ऋणात्मक संख्या पे क्या आ ठीक है जी ऋणात्मक संख्या में क्या होगा देखो इसमें आप कंफ्यूजेबल हो गए तो मैं आपको बता देता हूं पहले ही ऋणात्मक संख्या में क्या होता है जो दिखने में जो जो बड़ी दिख रही है ना वो छोटी होती है जो बड़ी दिख रही है ना जो बड़ी दिख रही है जो बड़ी दिख रही है ना ये आपकी भाषा में लिखा रहा हूं ठीक है ना जी जो बड़ी दिख रही है ना वह छोटी होती है जो बड़ी दिख रही है ना दिख रही है वह छोटी होती है ये ध्यान रखना विशेषकर क्लियर है बोलोगे हाँ जी सर और जो छोटी दिख रही है ना वो बड़ी होती है ये है ना आपको पहचानने की एक तरीका बताया है जो छोटी दिख रही है ना जो छोटी दिख रही है बोलोगे यस सर दिख रही है वह बड़ी होती है तो आपको बताना है मैं नंबर लिखूंगा ठीक है जी कौन बड़ी है कौन छोटी आपको बताना है ठीक है जी इनमें बताना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी ये बताइए माइनस दो सौ और बोलोगे कि सर माइनस हजार तो आपको बताना है कि इसमें बड़ी कौन सी है आपको ये बताना है इन दोनों में बड़ी कौन सी है बड़ी माइनस में लिखी है दोनों ही संख्या ताकि कंफ्यूज नहीं हो बोलोगे हाँ जी सर आराम से समझ लो जल्दीबाजी नहीं करना है क्लियर है बोलोगे यस सर बताओ बताओ बोलोगे सर वो बेटा अनंत हो जाएगी फिर वो अनंत हो जाएगी लाडले क्लियर है जी अच्छा जी बताओ लगाओ दिमाग जो बड़ी दिख रही है ना वो ऋणात्मक संख्या में छोटी होती है और जो छोटी दिख रही है ना वो बड़ी होती है उल्टा होता है इसमें आप बताओ ये छोटी दिख रही है ना दोनों में दोनों में छोटी कौन सी दिख रही है दोनों में छोटी ये दिख रही है तो जो छोटी दिख रही है ना वो बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या हो ये बड़ी होती है और ये वाली क्या होती है सर ये वाली छोटी होती है छोटी क्लियर है जी ये वाली क्या होती है सर ये वाली छोटी होती है तो दिमाग का कन्फ्यूज मत बना देना दिमाग को कन्फ्यूज में मत डाल देना क्लियर है जी बस यही मेन मुद्दा है क्लियर है जी और देता हूँ देखो पसन आपको कैसे पूछेगा पसन ही पूछेगा देखो माइनस पांच और यहां पर डेस डेस चिन्ह बना चिन्ह भरना है कौन सा भरोगे ध्यान से सुनना ठीक है जी अच्छा जी अच्छा तो बोलोगे कि सर माइनस तीन सौ क्लियर चिन्ह भरना है ठीक है जी जिधर मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है तो बताओ कौन सा चिन्ह भरोगे यहां पे बताइए आराम से कौन सा चिन्ह भरोगे जिधर मुंह खुला होता है ना उधर बड़ा होता है क्लियर है जी तो बताओ कौन सा चिन्ह भरोगे बताइए लाडले बताइए कौन सा चिन्ह भरोगे बताइए आराम से देखो इस चिन्ह का मतलब होता है इस चिन्ह का मतलब होता है जिधर मुंह खुला होता है ना उधर बड़ा होता है क्लियर है जी तो बताओ कौन सा चिन्ह लगेगा बताइए आराम से बताइए कौन सा चिन्ह लगेगा आराम से बताइए जल्दीबाजी नहीं करना है. बोलोगे बताइए जल्दी से आराम से बताइए कोई जल्दीबाजी हमें नहीं है तो सर पहले तो ये देखो बड़ा कौन सा है बड़ा कौन सा है सर बड़ा है ना माइनस पांच बड़ा है कौन बड़ा है सर माइनस पाँच बड़ा है तो बड़ा की तरफ मुख खुलेगा मुख किधर खुलेगा बड़ा की तरफ मुख किधर खुलेगा सर मुख खुलेगा बड़ा की तरफ मुख खुलेगा बड़ा की तरफ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर पहला ऑप्शन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सर ये वाला बता दीजिए बोलोगे सर माइनस छः सौ बोलोगे यस सर यहाँ चिन्ह लगाओ बोलोगे सर ये कितना है सर ये आपका माइनस का नौ सौ चिन्ह बताओ कौन सा आएगा बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं माइनस नौ सौ नहीं है ये माइनस आपका है पचास क्लियर है जी तो बताओ कौन सा चिन्ह खुलेगा इधर बोलोगे कि सर आपका यही ऑप्शन है बी बोलोगे सर यही वाला ऑप्शन है कोई दिक्कत नहीं है डी आपका नन ऑफ दीज है बताइए कौन सा आंसर होने है वाला है अब यह ना आपको देखना कुछ प्रश्न में फंसाएंगे कुछ प्रश्न में फंसाएंगे इतना ईजी बताकर भी कुछ क्वेश्चनों में ना फंसाएंगे कह जी बोलोगे क्या सर बताइए बोलो बोलो क्लियर है जी गुरु जी क्लियर है देखो माइनस की संख्या की यही कहानी है माइनस की संख्या की यही कहानी है बोलोगे जी सर प्लस में तो माइनस तो पचास बड़ा, बड़ा है कौन बड़ा है सर माइनस पचास बड़ा है कौन बड़ा है लाडली माइनस पचास बड़ा, बड़ा है बोलोगे यस सर तो कौन सा चिन्ह लगेगा इधर मुख लगेगा इधर तो कौन सा ऑप्शन है बी देखो चिन्ह का मुख है का मुख किधर खुलेगा चिन्ह का मुख उधर खुलेगा जिधर बड़ा होगा चिन्ह का मुख उधर खुलेगा जिधर वो क्या होगा सर बड़ा होगा बड़ा उधर उसका क्या खुलेगा सर मुख खुलेगा विशेष विशेषकर आपको ध्यान रखना है आपको एक प्रश्न में फंसाए जी देखो दिमाग का दही बना देते हैं देखिए आप ये वाला बताओ मुझे ठीक है अब पता चलेगा आपका जीरो और माइनस एक बताओ कौन सा चिन्ह लगेगा बताओ कौन सा चिन्ह लगेगा आराम से बताना दिमाग का दही बन जाएगा यहाँ पे बोलोगे यस सर यह दिमाग का दही बनेगा क्लियर है जी अरे सर तुम बना दोगे दिमाग का दही है जी आगे देखिए बोलोगे यस सर इसमें चेक करना है इसमें चेक करना है ठीक है जी अच्छा जी बताइए क्या आंसर होने वाला है यहाँ गेम चलेगा अब इससे छोटा इससे इजी कुछ नहीं हो सकता इससे इजी है ना कुछ नहीं हो सकता एक जीरो है एक माइनस एक है तो ध्यान रखना बोलोगे यस सर बताइए बताइए सर जीरो का पेज फंसा दिया आपने बिल्कुल पेज तो फसाएंगे लाडले और बताइए देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम क्लियर है जी तो ध्यान रखना है कुछ भाइयों का गलत आ रहा है ध्यान रखना ऋणात्मक संख्याओं से जीरो बड़ा होता है ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्याओं से जीरो बड़ा होता है ऋणात्मक संख्याओं से संख्याओं से संख्याओं से शून्य बोलोगे यस सर शून्य बड़ा होता है शून्य क्या होता है शून्य बड़ा होता है ये ध्यान रखना है ऋणात्मक संख्याओं से ऋणात्मक संख्याओं से शून्य बड़ा होता है ठीक है जी ऋणात्मक संख्याओं से ऋणात्मक संख्याओं से शून्य बड़ा होता है ध्यान रखना हमेशा तो बड़ा कौन है शून्य तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है तो माइनस वाली संख्याओं से माइनस वाली संख्याओं से बड़ा कौन होता है माइनस वाली संख्याओं से बड़ा जीरो होता है माइनस वाली संख्याओं से जीरो बड़ा होता है ये विशेषकर ध्यान रखना कभी गड़बड़ मत कर देना ये एग्जामिनर मजाक में पूछ लेगा और फ्री का नंबर है तो फ्री का नंबर छोड़ना नहीं है क्लियर है बोलोगे सर ये आपका पूर्णांक संख्या है 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 थी। क्लियर जी। अब आती पूर्ण संख्या बोलोगे यस सर अब आ जाइए किस पे सर पूर्ण संख्या पर आ जाइए पूर्ण संख्या पे। उड़ा देंगे पूर्ण संख्या की धज्जियां देखते चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आप बोलोगे कि सर पूर्ण संख्या पे चलेंगे ना पूर्ण संख्या पे चलेंगे तो क्या मैटर है सुनिए बड़े प्यार से आप बोलोगे कि सर पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या कहा से स्टार्ट होती है जीरो से ए, जीरो एक दो तीन चार पांच ये जो संख्याएं होती है ना ये संख्याएं कहा से स्टार्ट होती है जीरो से पूर्ण संख्याएं हमेशा क्या होती है सर पूर्ण संख्याएं हमेशा जीरो से होती है सर YouTube पे डेली नहीं चलेगी लाडले <coughs> <coughs> बोलोगे दो दिन चलेगी आप बोलोगे कि सर पूर्ण संख्या है ना जीरो एक दो तीन चार पाँच ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती है क्लियर है जी तो ये तो नॉर्मल हो गया सर लेकिन ध्यान रखना क्या सर इसके अंदर पॉइंट वाली संख्याएं होती है नहीं सर इसके अंदर पॉइंट वाले संख्या नहीं होती हैं सर क्या बट्टे वाली संख्या होती है नहीं सर ये बट्टे वाली संख्या नहीं होती हैं सर क्या माइनस की संख्या इसमें माइनस की संख्या होती है इसमें माइनस की संख्या नहीं होती ध्यान रख लेना क्लियर है जी सर रूट का रूट का फॉर्मेट भी इसके अंदर नहीं होता है क्लियर ये ध्यान रखना पॉइंट वाली बट्टे वाली माइनस वाली रूट वाली संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है ठीक है हाँ जैसे ये भाग चला जाए ना जैसे मान लो ये लिख दे पच्चीस बटा पांच अब इसमें भाग चला जाएगा इसमें भाग चला जाएगा ना तो ये फिर पूर्ण संख्या है क्यों क्योंकि देखो ये सिंपल नंबर बन गया जिसे कई बार आपने देखा होगा तीन बटा चार अब तीन में चार का भाग नहीं जाता तो ये पूर्ण संख्या नहीं है आगे बताएंगे हम आगे बताएंगे आपको टेंशन नहीं लेना है फिलहाल ये ध्यान रखिए कि सर इसमें पॉइंट वाली बटे वाली संख्याएं नहीं होती है क्लियर है जी, अच्छा जी, हाँ, जिनका चला न, वो होता है, है। इसमें सबसे छोटी छोटी पूर्ण संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो कह देना सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना वो जीरो बनता है इसमें और कोई प्रश्न नहीं बनता है, ध्यान रखना एक ही प्रश्न बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो लाडले बता देना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है जीरो होती है ये आपको विशेषकर ध्यान रखना <coughs> अब आ जाओ प्राकृत संख्या बोलोगे यस सर आप बोलोगे कि सर प्राकृत संख्या कौन सी होती है आराम से देखिए तो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है लाडले प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है कैसे एक दो तीन चार पांच तो बोलोगे यस सर तो आप बोलोगे सर ये प्राकृत संख्याएं होती हैं क्लियर है जी तो प्राकृत संख्या में पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती हैं बट्टे वाली संख्याएं भी नहीं आती हैं क्लियर है जी और इसके बाद में रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या भी नहीं आती हैं और इसमें जीरो भी नहीं आता है जीरो भी नहीं आता है और इसके अंदर माइनस की संख्याएं भी नहीं आती हैं ये कभी भी इसके अंदर संख्या नहीं आती ये बात आपको ध्यान रखनी है क्लियर है जी अच्छा जी तो आप बोलोगे कि सर इसमें भी एक ही प्रश्न बनता है क्या सर एक ही प्रश्न बनता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है तो याद करना ये है ये लाडल है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्लियर है जी तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है सर सबसे छोटी एक प्राकृत संख्या है इसमें भी एक ही प्रश्न बनता है इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते क्लियर है बोलोगे यस सर बात एकदम क्लियर है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है अब आती है आप छोटे छोटे फॉर्मेट आ गए लाडले सम संख्या पढ़िए सम संख्या जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा जाता है वह सम संख्या होती है या आर्मी में प्रश्न पूछा गया था क्लियर है जी संख्या जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा जाता है ठीक है जी वे संख्या जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा गा जाता है वो सम संख्या कहलाती है कौन सी होती है सम संख्या? देखिए, आप बोलोगे सर ये सम संख्या होती है दो चार छ आठ दस बारह इनमें देख लो सब में दो का भाग जा रहा है जिनमें दो का भाग जाता है जिनमें दो का भाग जाता है जिनमें दो का भाग जाता है वो क्या होती है सम संख्या सर माइनस में नहीं हो सकती माइनस में भी हो सकती है माइनस दो माइनस चार माइनस छ माइनस आठ माइनस दस ये वाली संख्या होती है ना ये वाली संख्या भी कितनी क्या होती है सर सम संख्या होती है तो वे संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा चला जाए वो क्या कहलाती है सर वो आपकी कहलाती है क्या सम संख्या प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है लेकिन दो का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए <unda> विषम संख्या कौन सी होती है सर आ जाइए विषम संख्या वे संख्या जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है विषम संख्या वे संख्याएं संख्या जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है वो भी क्या कहलाती है सर नहीं जाता है वो क्या कहलाती है विषम संख्या वो क्या कहलाती है विषम संख्या जैसे एक तीन पाँच सात बोलोगे सर नौ ग्यारह ये वाले सारे की सारी क्या होती है बोलोगे सर ये सारे के सारे विषम संख्या होती है क्लियर माइनस में भी हो सकती हैं इनमें कभी भी दो का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा इनमें कभी भी दो का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा ये सारे की सारी क्या होती है विषम संख्या सर आर्मी में क्या प्रश्न आया था इससे इसमें आर्मी में क्या प्रश्न आया था ये बताए बहुत सिंपल सा प्रश्न आया था क्लियर है जी बहुत सिंपल सा प्रश्न आया था जरा बता दीजिए ये आर्मी के पेपर में प्रश्न आया था बहुत सिंपल सा प्रश्न आया था कि वे संख्या जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा जाता है वो क्या कहलाती है जवाब कीजिए ये आर्मी के पेपर में प्रश्न आया था बोलोगे हाँ जी सर ठीक है क्लियर जी गुरु जी क्लियर है कोई दिक्कत इसमें हाँ दो का भाग पूरा का पूरा जाए वही होता है क्लियर जी बताइए कौन सा आएगा ये आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न उड़ा दीजिए इसकी धज्जा उड़ा दीजिए इसकी धज्जा उड़ाओगे ना तभी मजा आएगा ऐसे मजा नहीं आएगा क्लियर है जी गुरु जी क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं बताइए ए लाडले बताइए बताइए ए लाडले बताइए तो आंसर क्या होगा दो का भाग पूरा का पूरा जाता है ना वो क्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है सम एक हमारी तरफ से पूछ लेते हैं बोलोगे यस सर पूछ ही लो तुम ठीक है जी बिल्कुल सर पूछ लेते हैं निमन में से विषम संख्या बताइए आपको बताना है निमन में से बड़ा नंबर दूंगा छोटे नहीं दूंगा निमन में से निमन में से क्या निमन में से विषम संख्या निमन में से विषम संख्या है कल गया जी ये बताना है कि भाई इनमें विषम संख्या कौन सी है ऑप्शन से बताना है पहला ऑप्शन है तीन सौ बारह दूसरा ऑप्शन है चार सौ आठ ती, ये तीसरा प्रश्न है ये तीसरा ऑप्शन है तीन सौ सत्तावन चौथा ऑप्शन है पांच हजार बताओ कौन सा है बताओ हम समझ जाएंगे कि अब आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है निमन में से विषम संख्या बतानी है विषम संख्या किसे कहते हैं जिसमें दो का भाग नहीं जाता ना वो विषम संख्या हाँ पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं उसको टारगेट करते हुए चलना पड़ेगा <coughs> बताइए आराम से बताइए कौन सी विषम संख्या है बताइए देखते हैं कौन सा जवाब आता है आपका बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है बोलोगे सर जीरो जीरो सम संख्या होती है लाडले जीरो क्या होती है जीरो सम संख्या होती है क्लियर है? है जी बोलोगे यस सर जीरो को सम संख्या माना जाता है जीरो को सम संख्या माना जाता है बोलोगे हाँ जी सर अब खुश जी गुरु जी खुश है आप बोलोगे यस सर तो आप बोलोगे सर इसमें तो दो का भाग जाता है इसमें तो दो का भाग जा रहा है देख के देख लो दो का भाग जा रहा है इसमें तो इसमें भी दो का भाग जा रहा है बोलोगे यस सर इसमें दो का भाग नहीं जाता सर इसमें दो का भाग नहीं जाता इसमें दो का भाग जाता है तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है सर आपका विषम संख्या कौन सा है इसी ऑप्शन आपका विषम संख्या तीन सौ सत्तावन ये बात आपको ध्यान रखनी है अगले पॉइंट पे चले जी गुरु जी चलिए बोलोगे यस सर अगला पॉइंट आता है भाज्य संख्या अब आएगा मजा सर भाज्य संख्या कैसे भाज्य संख्या किसे कहता है क्लियर है जी वे संख्या वे संख्या जिनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है ये भी ध्यान रखना इंपोर्टेंट है भाज्य और अभाज्य अभाज्य से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे अभाज्य से क्या किए गए सर अभाज्य से सबसे ज्यादा एक है ना लडले लाइक नहीं करते हो आप है लाइक कर दो धे धनादन धे धनाधन ठीक है जी अभी लाइक के ना एक हज़ार इकतीस इकती लाइक है इतनी देर में ना भाई साहब एक लाख लाइक के हो जानी चाहिए थी तुम लाइक ही नहीं करते हो लाडले कर दिया करो यार थोड़ी सी दया भावना कर दिया करो यार तुम्हारे भाई पे है जी अच्छा जी देखिए अब बोलोगे कि सर ये देखो भाज्य संख्या कौन सी होती है आराम से देखना वे संख्याएं भाज्य संख्या कौन सी होती है वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा और खुद के अलावा एक के अलावा और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए या फिर ऐसे देख लीजिए तुम बन गए भाई साहब फौजी तुम बन गए फौजी फौजी बनने के बाद क्या होगा सर तुम तुम्हारे लिए बहुत लोग तुम्हारे को फिर बहुत लोग पसंद करेंगे ठीक है तो बोलोगे कि सर कौन पसंद करेगा देखो आप फौजी बन गए फौजी बनने के बाद आप खुद को खुद पसंद करोगे पहली बात क्यों क्योंकि आप फौजी हो वो वर्दी पहन के घूमोगे तो आपका रुतबा ही कुछ अलग होगा तो खुद को खुद पसंद करोगे बोलोगे हाजी सर हम खुद को खुद पसंद करेंगे कोई दिक्कत नहीं उसके बाद में आपको कौन पसंद करेगा आपकी बीवी आपको पसंद करेगी ठीक है तो इसमें क्या हुआ एक तो खुद हो गए एक तो क्या हो गया एक हो गया एक मतलब आप खुद हो गए इसके अलावा कौन गई आपकी बीवी अब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी आपको पसंद करेगा क्यों क्यों भाई आप फौजी हो आप क्या हो फौजी हो तो फौजी हो तो भाई साहब आपको तो तीसरा आदमी भी पसंद करेगा लेकिन आपको उसकी तरफ अगर सर नहीं होना है ठीक है जी लेकिन इसे क्या कहते हैं फिर आप बन गए भाज्य संख्या आप क्या बन गए सर भाज्य संख्या क्लियर है जी अच्छा जी आप बोलोगे यस सर भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाज्य संख्या चार से स्टार्ट होती है चार से अब देखो चार में देखो एक का जाता है देखो पहले तो एक का भाग जाना चाहिए एक का भाग जाता है जाता है फिर खुद का जाना चाहिए चार में चार का खुद का जाता है इन दोनों के अलावा किसका जाता है दो का जाता है क्लियर है जी चार इसके बाद में छः आप देखिए छः छः में एक का जाता है जाता है खुद का जाता है छः में छः का जाता है इसके अलावा दो और तीन का जाता है किसका जाता है दो और तीन का बोलोगे यस सर छः के बाद में आठ आठ बोलोगे यस सर आठ में देखिए खुद का जाता है एक का जाता इसके अलावा दो का जाता और चार का जाता है कलिया जी और बोलोगे सर नौ इसके बाद में सर दस इसके बाद में बारह इसके बाद में चौदह बहुत सारी संख्याएं होती है लिख नहीं पाएंगे बहुत सारी संख्याएं होती है लिख नहीं पाएंगे ठीक है जी अब देखो चौदह में खुद का जाता है एक का जाता है इसके अलावा दो का जाता है और सात का जाता है तो बोलोगे सर यही बात एकदम परफेक्ट सही है इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है क्लियर है जी तो ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है क्या कि सर वो क्या होती है भाज्य संख्या मैंने आराम से आपको आम भाषा में बताया कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए क्लियर है जी आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं आप बोलोगे कि सर यहां पे दो परसेंट बनते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है सर सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है चार अब आपको इसमें से ढूंढ के बताना है एक प्रश्न मैं आपको दूंगा ढूंढ के बताना है बोलोगे कि सर सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी ये ढूंढ के बताना आप भी जवाब करोगे के सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है क्लियर है जी गुरु जी उड़ा देंगे टेंशन ना करो क्लियर है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मतलब भाज्य भी होनी चाहिए देखो पहली बात तो छोटी होनी चाहिए उसके बाद में विषम होनी चाहिए उसके बाद में भाज्य होनी चाहिए तो बोलोगे सर कौन सा आंसर आएगा ज़रा बताइए हमें बताइए अरे सर नाइन आएगा क्या आएगा लाड लो नाइन आएगा अरे सर धूम धड़ाका मचा देंगे टेंशन ना कीजिए तो नाइन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए नाइन आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर हम ऐसा धूम धड़ाका मचा देंगे पर्सन आपको याद रखेंगे याद क्लियर है जी अच्छा जी अब सर अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर बड़ा तगड़ा काम है अभाज्य संख्या का क्लियर है जी अच्छा जी एक, -एक पॉइंट बताएंगे आराम से देखना बोलोगे यस सर बोलोगे यस सर क्लियर है जी अच्छा जी आप बताओ ध्यान से वे संख्याएं अभाज्य संख्या कल ने मान लो आपने मकरागिरी की ठीक है ना अभाज्य संख्या को बताऊं पहले तो परिभाषा पढ़ देता हूं वे संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो वे संख्या जिनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या तो मैं आपको बताऊं ध्यान से सुनना बड़े प्यार से सुनना आप मकरागिरी की तो फिर बड़ी दिक्कत होगी बड़ी दिक्कत होगी तो आपके फ्यूचर फौजी पे दिक्कत आएगा बिल्कुल सर आएक ठीक है बोलोगे हाँ जी फिर आपको दिक्कत आएगी तो फिर आपको पसंद कौन करेगा बस तुम खुद को खुद पसंद कर सकते हो और आपकी बीवी पसंद कर सकती है तीसरा आदमी तो आपको पसंद करेगा ही नहीं क्यों क्यों नहीं करेगा ले नहीं करेगा क्यों नहीं आपने मेहनत नहीं की आपने मकरागिरी की है तो मकरागिरी किया तो दूसरा पसंद कैसे करेगा भाई नहीं करेगा यही बात है क्लियर है बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है जी अच्छा जी तो लाड ले लाड आप फौजी बनोगे आप फौजी बन गए मेहनत करके फौजी बन गए ठीक है तो आपको कौन कौन पसंद करेगा आप खुद भी आपकी खुद की पसंद है आपको आपकी बीवी भी पसंद करेगी और इसके बाद में आपको कौन पसंद करेगा सर अदर लोग भी पसंद करेंगे अदर लोग भी आपको क्या करेंगे पसंद करेंगे आपके ऊपर लाइन मारेंगे इसका मतलब आप भाज्य बन गए इसका मतलब आप क्या बन गए सर भाज्य बन गए और यदि सर मकरागिरी की मकरागिरी की तो मकरागिरी आपने की ना तो फिर आपको खुद को खुद पसंद कर सकते हो ठीक है जी आपकी बीवी आपको पसंद कर सकती है अब आपको तीसरा आदमी पसंद नहीं करेगा तीसरा आदमी पसंद नहीं करेगा तो लाडले आप बन गए अभाज्य आप क्या बन गए सर आप बन गए अभाज्य बोलोगे यस सर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जल्दीबाजी नहीं दही कर दिया क्लियर जी बोलोगे यस सर बात समझ गए ठीक है जी अच्छा जी अब आप बोलोगे कि सर देखिए आप बोलोगे सर अब क्या बात है क्लियर है जी जैसे मैं हूं मैं कौन सा नंबर हूं मैं है ना मैं एक अभाज्य नंबर हूं क्यों क्योंकि मुझे कोई पसंद करता ही नहीं है तो मैं क्या हुआ अभाज्य नंबर हुआ क्लियर है जी अच्छा जी आप बोलोगे कि सर यहाँ से बात करें तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है ना आप बोलोगे कि सर अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है देख लो दो में एक का और खुद का जाता है देखो दो में किसका भाग जाता है दो में एक का जाता है और खुद का जाता है इसके अलावा बताओ किसी का जाता है नहीं जाता है। जैसे मान लो इकतीस है इकतीस में देखो इकतीस में आप बोलोगे सर खुद का एक का जाता है और खुद का जाता है इसके अलावा किसी का नंबर जाता है इसके अलावा किसी का भाग जाता है नहीं जाता है, सर इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता तो ये क्या होगी अभाज्य संख्या होगी तो अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है शोतक लिख दी है मैंने शोतक लिख दी है क्या बोलोगे कि सर दो दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेबीस उनतीस इकतीस सैतीस इकतालीस तेयलिस सैतालीस इक्की तिरपन और उनसठ इकसठ सड़सठ इकहत्तर तेहत्तर उन्यासी तेरासी नवासी और सत्यानवे मैंने कहां तक लिख दिया? एक से सौ तक लिख दिया। तो पहला प्रश्न आपका यहां क्या बनता है देखिए सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो आप बोलोगे कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना वो आपकी कितनी है सर वो आपकी ती है, दो है सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है सर आपकी दो है दो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लियर है जी दूसरा एकमात्र ऐसी संख्या एकमात्र एकमात्र ऐसी संख्या एकमात्र ऐसी संख्या एकमात्र ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है सम होते हुए भी सम होते हुए भी अभाज्य संख्या सम होते हुए भी सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है बोलोगे यस सर सम होते हुए भी, भी क्या है सर अभाज्य संख्या तो बता देना कितनी है सर दो कितनी है सर दो ही है, एक, अभाज्य संख्या बता देना तो आप बोलोगे कि सर अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी दो क्यों ये एकमात्र दो एकमात्र ऐसी संख्या है दो देखो और कोई संख्या दिख रही इसमें कोई भी संख्या नहीं एकमात्र ऐसी समसंख्या जो अभाज्य संख्या है क्लियर ऐसी आप बोलोगे सर अगला प्रश्न कौन सा है देखो सबसे छोटी आप खुद बताओगे सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है तो विषम का नाम लेते कौन सा आ जाएगा सर थ्री आ जाएगा बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है तीन कर्मागत विषम अभाज्य संख्या बताओ ठीक है आपको बोल देगा कि तीन कर्मागत तीन कर्मागत तीन कर्मागत कर्मागत का मतलब गे पैना सेम होना चाहिए तीन कर्मागत तीन कर्मागत अभाज्य संख्या तीन कर्मागत अभाज्य संख्या कर्मा भी बोल सकता है और इस चीज को ये क्या बोल सकता है विषम अभाज्य भी बोल सकता है एक ही बात है विषम अभाज्य भी बोल सकता है एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं विषम अभाज्य संख्या क्लियर है जी विषम अभाज्य संख्या है विषम अभाज्य संख्या है तो कह देना कौन सी है सर तीन पांच सात बोलोगे सर तीन पांच सात होती है कर्मागत किसे बोलते हैं कर्मागत किसे बोलते हैं जिनका बीच का गेप सेम हो कर्मागत सर ये कर्मागत किसको है? कर्मा बोलते हैं कर्मागत बोलते हैं जिनका बीच का गेप सेम हो बीच का गेप बीच का गेप क्या हो सर बीच का गेप सेम हो उसे हम बोलते हैं कर्मागत बीच का गेप सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं सर उसको हम कर्मागत बोलते हैं कर्मागत है। तो बोलोगे सर बीच का गेप है ना, बीच का गेप देखो इनका गेप कितने का है सर दो का गेप है और इसका भी कितने का है? दो का गेप है तो गेप सेम हो ना, तो वो क्या कहलाती है कर्मागत संख्या कहलाती है जिनका बीच का गेप वो क्या कहलाती है कर्मागत संख्या कहलाती है तो आपसे पूछ सकता है कि भाई सबसे छोटे अभाज्य संख्या दो है एकमात्र ऐसी संख्या जो सम होते हुए अभाज्य संख्या वो दो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन है तीन कर्मागत अभाज्य है तीन कर्मागत अभाज्य संख्या कौन सी है, है।, है सर तीन पांच सात है कितनी है सर तीन पांच सात है इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए क्लियर है बोलोगे यस सर कोई दिक्कत इसमें नहीं है 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 अब अब एक आता है, ट्वीन नंबर. अब एक आता आता ट्विन नंबर लाडले इसी में मैं बताऊंगा ट्विन नंबर कौन से होते हैं बोलोगे यस सर ट्विन नंबर ट्विन इंग्लिश में लिख देता हूं पहले तो ट्विन प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर प्राइम नंबर बोलोगे हा जी सर ट्विन प्राइम नंबर क्लियर है जी हिंदी में बोलते हैं इसको जुडवा अभाज्य संख्या जुडवा जुडवा संख्या बोलोगे यस सर एक होता है ट्विन नंबर जिसको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सर जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या ये ध्यान रखना बहुत बार वर्तमान के पेपरों में देखने को मिल रहा है ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य नंबर इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या सर कौन सी वे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो का हो वे अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या दोनों अभाज्य होनी चाहिए ध्यान रखना वे अभाज्य संख्या संख्या जिनके बीच का अंतर जिनके बीच का अंतर दो हो जिनके बीच का अंतर जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए सर जिनके बीच का अंतर है ना दो होना चाहिए जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए जिनके बीच का अंतर है ना दो होना चाहिए वे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो होना चाहिए वे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो होना चाहिए देखो आप खुद देखना तीन और पांच इनके बीच का गेप कितना है दो तो ये ये टिविन नंबर है आपका कौन सा है टिवी नंबर सर फिर पांच और सात पांच और सात देख लो बोलोगे सर इनके बीच का गैप भी कितने का है सर दो का है क्लियर है जी आप बोलोगे सर ग्यारह और तेरह बोलोगे सर ग्यारह और तेरह का बीच का गैप कितना है सर ग्यारह और तेरह का बीच का गैप भी दो का है सत्रह उन्नीस इनके बीच का गैप भी कितना है सर इनका बीच का गैप भी कितने का है सर सत्रह और उन्नीस है और सर इसके बाद में देखो उनतीस और इकतीस उनतीस और इकतीस तो उनतीस और इकतीस है ना ये इनका बीच का गैप भी कितने का है सर इनका बीच का गैप भी दो का है और बोलोगे कि सर 41 43 इनका बीच भी दो का इनका इनका भी गैप गे, है ना वो भी कितना है सर दो का गैप है दो का और, और ए, सर और देखिए 59 है इनका गैप भी कितना है सर इनका गैप भी दो का है क्लियर है जी अच्छा जी और देखिए 66 67 71 73 कौन सा है सर 71 73 तो बोलोगे कि सर 71 73 है ना तो बोलोगे सर ये भी क्या है सर ये भी बीच का गैप कितने का है सर दो का है तो जिनके गैप है ना जिनके बीच का गैप दो का हो जिनके बीच गैप दो का हो ना वो आपका कहलाता है ट्वीन प्राइम नंबर क्या कहलाता है ट्वीन प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में इसको अपन बोलते हैं जुड़वा अभाज्य नंबर क्या बोलते हैं सर जुड़वा अभाज्य नंबर बोलते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है बोलोगे यस सर अभी ढीले इंसानों लाइक नहीं हुई मुझे है ना दस हजार लाइक चाहिए दस हजार क्लियर है बोलोगे यस यस सर या, दो है कहां से लेके आए कहीं से लेके आओ ना हमें क्या करना है? क्लियर है जी ये बात समझ गए और आप लिखोगे एक एक चीज को तो और बेटर रहेगा क्लियर है जी आ जाएगी ये याद करना है लाडले देखो आपसे पूछ ले एक से पच्चीस तक अभाज्य संख्या कितनी है एक से पच्चीस तक नौ होती है यदि लिख के गिनना चाहो तो गिन लेना एक से पच्चीस तक नौ अभाज्य संख्या होती है एक से पच्चीस तक नौ अभाज्य संख्या होती है एक से पचास तक पंद्रह होती है एक से पचहत्तर तक इक्कीस होती है एक से सौ तक कितनी होती है सर पच्चीस होती है पच्चीस तो याद रखना है क्या कि एक से पच्चीस तक नौ होती है एक से पच्चीस तक नौ होती है बाजी संख्या एक से पचास तक पंद्रह होती है एक से पिचहत्तर तक इक्कीस होती है एक से सौ तक है अभाज्य संख्या पच्चीस होती है एक है ना एक एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है ये ध्यान रखना है क्या एक है ना एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है एक न तो भाज्य होती है और एक ना ही अभाज्य होती है ये ध्यान रखना है कि एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य होती है एक है ना एक न तो भाज्य और नहीं क्या होती है सर अभाज्य होती है क्लियर है जी ये आपको याद करना क्लियर है जी आप बोलोगे कि सर या सर हम गिन के सर गिन के कर लें तो तो गिन के भी कर सकते हो सर हमें गिन ले ये याद, याद हमें एक से तक है ना नींदों में भी ध्यान में होना चाहिए और सर याद नहीं हो तो फिर लिख के गिनना पड़ेगा फिर क्या करना पड़ेगा लिख के गिनना पड़ेगा क्लियर है जी अब आप एक चीज का और ध्यान रखना तीन अंकीय तीन अंकीय सबसे छोटी है, है संख्या तीन अंकीय तीन अंकीय सबसे छोटी तीन अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तीन अंकीय सबसे छोटी बताओ देखा तीन अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या तीन अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो याद रखना एक सौ एक होती है कौन सी होती है एक सौ एक होती है एक सौ एक क्लियर है जी तीन अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत बार पेपर में पूछता है कि भाई तीन अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है एक सौ एक होती है एक सौ एक बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे आज नहीं करेंगे कल हमारा यहां चलेगा जो बड़ा आर्मी का फेवरेट है कल इसकी हम चर्चा यहां करेंगे कल इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे क्लियर है बोलोगे यस सर जाने की अनुमति दीजिए अब बोलोगे कल चलेंगे सहभाज्य संख्या इसको हम कल बताएंगे लाडले आप है इसको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना वापस क्लास दे के अच्छी तरीके से कवर करना कल आज का पढ़ाया हो आप क्लियर करके कल की क्लास में आओगे ना मैं कह रहा हूँ बड़ा मजा आने वाला है जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय दू टू टाटा